हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एज प्रॉब्लम का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, एक क्लास हुआ है। प्रीवियस क्लास जो था वह रेशियो से रिलेट करके एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे हल किया जाता है हम लोगों ने सीखा था। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो एवरेज है को रिलेट करके एज प्रॉब्लम के सवाल आते हैं, यानी जहाँ पे औसत उम्र लिखा रहता है, तो वैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरह के प्रश्न अक्सर परिवार के अंदर के सदस्यों को लेकर के पूछे जाते हैं, अधिकांशतः बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन किसी परिवार, किसी कोई भी अगर एक फैमिली है तो उसके जो मेंबर है उनको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जैसे मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। चलो बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति ए हुआ और दूसरा व्यक्ति बी है, और इनकी वर्तमान, ठीक है, ए और बी का वर्तमान वर्तमान औसत उम्र 20 वर्ष, 20 वर्ष है, ऐसा दिया हुआ है कि ए और बी का वर्तमान औसत उम्र 20 वर्ष है। अब आपको अगर कहा जाए तो आज से 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी, ठीक है। इसका काफी अप्रोच है बाबू, अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, इसका काफी यूज है। तो अगर आपसे पूछा गया कि ए और बी की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी, तो कुछ खास नहीं करना है। अभी कितना है तो 20 है, और कितने वर्ष के बाद बोला गया तो 5 वर्ष के बाद बोला गया, तो बाद में अगर बोला गया तो दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर होगा 25 वर्ष। आंसर कितना होगा? 25 ईयर्स। अब देखो, इस चीज को अगर हम लोग सिद्ध करना चाहें, प्रूव करना चाहें कि कैसे होगा, तो क्या करेंगे, ए और बी तो दो लोग हो गए और वर्तमान में औसत उम्र 20 वर्ष है, यानी कुल उम्र क्या होगा, तो 20 और गुने 2, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, यानी कि 40 वर्ष, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। अच्छा, 5 वर्ष के बाद तो ए का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा और बी की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगी, यानी कुल जो उम्र बढ़ेगा वह 10 वर्ष का बढ़ जाएगा, तो टोटल उम्र होगा कितना हमारे पास, तो 50 वर्ष का होगा। तो अब 50 वर्ष हो जाएगा और औसत निकालना है, तो चूंकि दो लोगों का निकालना है तो दो से हमें इसको क्या करना होगा, तो भाग देना पड़ेगा। जैसे ही दो से भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 25 वर्ष। आसानी से बता सकते हैं, अगर यहीं पर पूछा जाता कि ए और बी का वर्तमान औसत उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष पहले, बाद में नहीं बोलकर क्या बोला जाता कि पहले उनकी औसत उम्र क्या थी, ऐसा अगर पूछ लिया जाता, यानी कि अब हमको बाद में नहीं जाना है पहले जाना है, तो 20 में से 5 को घटा लेना होगा और तब अपना आंसर 25 वर्ष नहीं होगा, क्या होगा अपना आंसर, आप समझ सकते हैं, यानी 15 वर्ष घटा लेंगे। तो सेम चीज होगा, यानी कि अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ए का उम्र भी 5 वर्ष कम होगा, बी का उम्र भी 5 वर्ष कम होगा, यानी यहाँ से 10 वर्ष कम हो जाएंगे, तो अभी यहाँ पर 40 से 10 घटाएंगे तो 30 होगा, और 30/2 करेंगे तो आंसर कितना होगा, तो 15 वर्ष का। तो बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर इसका अप्लीकेशन होता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि P तथा Q की वर्तमान औसत उम्र 15 वर्ष है तथा आज से 5 वर्ष बाद P, Q तथा R की औसत उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में R की उम्र क्या है। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या तो हम इस क्वेश्चन को वर्तमान से बना सकते हैं, और या तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, या तो हम 5 वर्ष बाद से बना सकते हैं, 5 वर्ष बाद। आप दोनों में से किसी भी तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास वर्तमान का भी डाटा दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद का भी डाटा आपके पास दिया हुआ है। अगर 5 वर्ष बाद देखो तो क्या हो रहा था, 5 वर्ष बाद पी क्यू आर की औसत उम्र 20 वर्ष हो रही थी, यानी 5 वर्ष बाद किसका, तो पी प्लस क्यू और प्लस आर, अगर इनका उम्र अगर देखा जाए तो औसत 20 का होगा, और व्यक्ति कितने हो गए, तो 3 हो गए, तो 20 में 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 60 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद नहीं, अगर वर्तमान से आपको बनाना रहता तो आप क्या करते, तो चूंकि 5 वर्ष बाद औसत 20 का होगा, यानी वर्तमान में 20 में से 5 कम करना पड़ेगा, यानी 15, तो P प्लस क्यू
प्लस आर का जो उम्र होगा तो 15 में 3 का गुना करेंगे होगा कितना, तो 45 वर्ष का। अब हम पी और क्यू की बात करें तो पी और क्यू का वर्तमान दिया हुआ है, तो चूंकि वर्तमान मैंने यहां लिखा है तो पी प्लस क्यू और इसका वर्तमान औसत 15 का है और दो लोग है ना, तो 15 में 2 का गुना करो तो कितना वर्ष होगा, तो 30 वर्ष। अगर आप इधर बनाना चाहते यानी 5 वर्ष बाद का डाटा आप अगर लेना चाहते तो अभी 15 है ना, वर्तमान में 15 है, तो 5 वर्ष के बाद 5 और जोड़ लो यानी 15 5 20 होगा। तो P और Q का जो उम्र होगा तो 20 में 2 का गुना करना पड़ेगा तो 40 लिखा जा सकता है। आप अगर घटा लो यहाँ पे, चलो माइनस कर लेते हैं, तो P से P कैंसिल, Q से Q कटेगा, तो R का उम्र क्या होगा, 45 से 30 कम करेंगे यानी कि 15 वर्ष। अब चूंकि वर्तमान का हम निकाल गए थे और वर्तमान पूछा गया था तो यहां से मेरा आंसर भी आ गया कि इसका उम्र होगा कितना, तो 15 वर्ष का। किसका, तो आर का। आर का वर्तमान उम्र कितना होगा, 15 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। इधर भी बनाना चाहते तो आप इधर से घटा सकते थे, माइनस माइनस और माइनस, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, अब देखो आर बचेगा और 60 से 40 कम करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, तो ये 20 वर्ष होगा, लेकिन कब, तो 5 वर्ष बाद होगा ना, तो 20 वर्ष होगा 5 वर्ष के बाद, यानी कि अभी कितना होगा, तो 15 वर्ष हो जाएगा, अभी 15 वर्ष रहेगा तभी ना 5 वर्ष के बाद 20 का होगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं। मेरा सुझाव यह होगा कि आपको जो पूछा जाए, फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्तमान में आर की उम्र क्या है, तो आप इस तरीके से बना लो, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि आज से 5 वर्ष के बाद आर की उम्र क्या होगी, तो फिर हम इस तरीके से बना लेते। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर ले, चलो ठीक है। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष से पूर्व शादी हुई थी, कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, कि औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की आयु है। देखो आज का मतलब वर्तमान होता है, तो चूंकि वर्तमान के बारे में हमसे पूछा गया तो हम वर्तमान को आधार मान के ही निकालेंगे, यानी कि अभी अगर बात करें वर्तमान में पति पत्नी और प्लस में एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है, तो इनका औसत उम्र 20 वर्ष दिया हुआ है, और चूंकि 3 लोग हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इनका उम्र 60 वर्ष, 20 गुने 3 यानी 60 दिया हुआ है ना। अभी आज जो है पति पत्नी और एक बच्चा, इनका औसत उम्र 20 वर्ष का है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उम्र होगा 60 वर्ष। अब देखो शादी इनका जब हुआ था, यानी कि पति और पत्नी की सिर्फ बात करें, पति और पत्नी की बात करें, जब शादी हुआ था उस समय औसत उम्र इनका 25 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन आज से 4 वर्ष पहले शादी हुआ था, यानी कि अगर अभी की बात करें तो 4 वर्ष बढ़ गया, यानी 25 में 4 जोड़ेंगे 29 होगा, और चूंकि 2 लोग हैं तो 29 में 2 का गुना करेंगे तो अभी 58 वर्ष। तो अगर यहां से घटा लो पति पत्नी दोनों को माइनस, और इधर भी माइनस करेंगे तो इधर कैंसिल हो गया। अभी जो बच्चा है इसका उम्र, वर्तमान का उम्र निकालना है, 60 से 58 को कम करेंगे कितना होगा, 2 वर्ष। देखो आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ना, आंसर दिया हुआ है, तो काफी आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी, और पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी, पति की वर्तमान आयु क्या है। देखो बाबू, यहां भी हम लोग वर्तमान से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान का औसत तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अब वर्तमान का औसत निकाल सकते हैं। देखो किसका किसका दिया हुआ था, तो पति प्लस पत्नी और प्लस एक बच्चा है ना, और 27 वर्ष का औसत है, लेकिन कब, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले 27 है, तो अभी 30 का होगा, और चूंकि 3 लोग हैं तो हो जाएगा कितना, तो 90 वर्ष। ठीक है, अभी उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पत्नी की और बच्चा की, तो आज से 5 वर्ष पहले 20 का औसत था, यानी कि अभी 25 का होगा, चूंकि 2 लोग हैं तो 25 और गुने 2 यानी 50 वर्ष। यहां से घटा लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस, पत्नी से पत्नी को कैंसिल करो, बच्चा से बच्चा को, अभी पति का आपका अभी वर्तमान का यहां पर एज मिलेगा, 90 से 50 को घटाएंगे यानी 40 वर्ष। और देखो दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हो। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, एक बच्चे के पैदा होने से
आज परिवार की आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु है। देखो अभी अगर बच्चे की उम्र पूछा है तो इसको भी हमको वर्तमान से बनाना पड़ेगा। अभी चूंकि एक बच्चे का जन्म हो चुका है यानी परिवार में कुल सदस्य कितने होंगे, तो परिवार में 6 सदस्य हो जाएंगे। पहले सदस्य कितने थे, तो पहले 5 सदस्य थे, यानी कि एक बच्चा भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 सदस्य और प्लस में एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है। अब देखो यहाँ पे चूंकि 6 लोग हो जाएंगे और औसत वही है, यानी पहले 17 था तो अभी भी 17 है, तो 17 में 6 का गुना करेंगे तो होगा कितना, तो 102 बरस। अभी जब 5 सदस्य थे तब यहाँ पर औसत इनका 17 था, लेकिन चूंकि अभी मामला 3 बरस का हो चुका है तो 17 में 3 जोड़ेंगे 20 होगा, और 20 और 5 का गुना करेंगे तो होगा कितना, तो 100 वर्ष का, है ना। तो अभी यहां से अगर घटा ले तो इस 5 सदस्य को घटा लेते हैं, इधर 100 को घटा लेंगे तो 5 सदस्य 5 सदस्य को कैंसिल कर सकते हैं। इस बच्चे का उम्र अगर पता करना होगा, इधर से घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 2 वर्ष। और देखो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, दिया है ना, बना सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बना सकते हैं। क्वेश्चन होता ही इतना आसान है कि आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह जो कंसेप्ट आपका है, यानी कि औसत उम्र से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या अब आप पूरे कॉन्फिडेंस में बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।